वेलकम टू माय चैनल ज्ञान द ट्रेजर। सरोज जी, आपका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पे स्वागत है। और हम जानना चाहते हैं आपसे आज कि साइनस एक्चुअली में क्या होता है, क्यों होता है और इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है। इसका इलाज है जस्टिसिया क्यू। इसको आप 5 times a day लेना है, 10 drops इन हॉट वाटर, 1/2 cup hot water 5 times in a day, अगर आपको बहुत ज़्यादा है तब। और दूसरा चीज़ इसके साथ साथ काली बीज और साइलिसिया, काली बीज और साइलिसिया, ये दो दवाई लेना है। अच्छा, तो सर जी मुझे ये बताइए, जो कहते हैं कि जो साइनस है, साइनस कहीं नाक की हड्डी वगैरह बढ़ जाता है, उससे होता है क्या? हाँ, उससे भी होता है। और भ्रामरी करने से और कपाल भाती करने से, अनुलोम विलोम करने से उसमें भी बहुत फ़ायदा होता है। पर साइनस मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब सर्दी गर्मी से कुछ कोई इफेक्ट करता है इस पर? वो जाम हो जाता है अंदर, चाहे कफ जो है वो सूख जाता है, जिसके चलते ये होता है। और इसमें भाप जरूर लेना चाहिए, स्टीम। कुछ पानी में नहीं डालना चाहिए, केवल पानी का ही स्टीम लेना चाहिए, गर्म पानी करके। तो मैं डियर सब्सक्राइबर्स, होम्योपैथी की जो दवा है सर्दी खांसी का, वो सरोज जी ने हमें बताया, आप इसे लाभान्वित हो सकते हैं। उन्होंने योगा भी बता दिया कि आपको कौन सा योगा वगैरह कर सकते हैं जब आपको साइनस हो गया हो। तो सरोज जी, आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड माय डियर सब्सक्राइबर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ गिव योर कमेंट्स। थैंक यू।